वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, मित्रों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करते हैं भगवान आपको ढेर सारी तरक्की दे, संसार की सारी खुशियां दे, ताकि वृश्चिक राशि वालों आप अपने जीवन में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर ठीक 2:30 बजे से आपके वो सपने सच होने वाले हैं जो सपने आपके बरसों से अधूरे पड़े थे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, एक प्रकार से यूं कहें तो जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसकी आपको तमन्ना थी, वो चीज़ अब आपको मिलने वाला है। अब आपको मर मर के जीने की जरूरत नहीं है, गरीबी और दरिद्रता से अब आपका जीवन बाहर आएगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, फिर भी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि चाहे इस दुनिया वाले पूरे ब्रह्मांड वाले कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकता और बुराई को उबार नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले को दंड देने वाले हैं और अच्छे कर्म करने वाले को उन्हें किए गए अच्छे कर्मों का फल। लेकिन दोस्तों आप इस बात से वंचित हैं और परेशान हैं कि वो समय कब आएगा, ईश्वर कब मेरी परेशानियों को दूर करेंगे, आखिर कब मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, अपने सब्र की बांध को टूटने मत देना और दिल थाम कर बस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अब जो भी करेंगे ईश्वर ही करेंगे और वो अपने मन मुताबिक करेंगे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे और बुरे कर्मों का बही खाता खुल चुका है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आप पिछले समयावधि में बहुत परेशानियों से, बुरे हालातों से गुजरे हैं, निरंतर भगवान को स्मरण और याद करते आए हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, वो सभी चीज़ें ईश्वर ने अपने बही खाता में नोट कर लिए हैं और वो चीज़ ईश्वर अब आपको धीरे धीरे देने वाले हैं और धीरे धीरे अब आपको अपने जीवन काल में परिवर्तन होना दिखाई देने लगेगा, जिससे आपके दोनों आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपके जुबां पर सिर्फ एक ही बात रहेगा कि हे प्रभु, आपसे दिल लगाने का नतीजा, आप पर विश्वास करने का नतीजा हमने अपनी आंखों से देख लिया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ विस्तार से जानते हैं। ईश्वर आज आपको क्या गिफ्ट करने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आज आपके जीवन काल में दस्तक देने वाले हैं, कौन से सपने आज आपके सच होने वाले हैं, ग्रह गोचर आज आपको क्या संकेत देने वाले हैं, सब कुछ A to Z विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, उसमें आपको कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा। और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखते ही चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर अनमोल विचार जरा ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर कहते हैं, जो मेरे सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो मुझे अच्छा लगता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ये दुनिया वाले को या फिर ईश्वर को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का राशिफल। दोस्तों भाग्य आज आपका 90% साथ देने से आज आप कुछ भी नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, उस कार्यों में कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर इस बात को लेकर काफी गहरे संकेत दे रहे हैं कि आज आपको किए गए अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी और लाभ भी होगा। और दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जैसा कि एक बात हम सभी जानते हैं, जो कार्य पूरे लगन से, पूरे मेहनत से किया जाए तो उस कार्यों में सफलता मिलनी निश्चित है।
किस्मत आज आपका 90% साथ देने की वजह से जो भी काम आज आप अपने हाथ में लेंगे वह काम आज आपका सफल होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कामों में लापरवाही और आलसी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो काम उसी समय के लिए होता है। अगर आप सोचेंगे बाद में करेंगे या कल करेंगे तो वो काम हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए भाग्य आज आपका साथ है। आज आप सबसे पहले उस कामों को करने की कोशिश करें जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा, जैसे कि उन्हें नए पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन आदि हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको एक बजट प्लान करके चलना और आगे बढ़ना होगा। वह आपके स्वभाव में विवेक व विनम्रता बनी रहेगी। आपके सामाजिक कार्यों में आपकी शाख चारों ओर फैलेगी और आपकी किसी नए वाहन की प्राप्ति की इच्छा आज पूरी हो सकती है। जो सपना आपका बहुत दिनों से अधूरा था, अगर गाड़ी वाहन को लेकर या फिर नए घर को लेकर, वो सपना आज आपका पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। भाग्य आपका साथ है, जो भी काम करेंगे सफलता पूरी पूरी मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आप अपने परिवार लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। इसमें रिश्तों में चल रही अनबन समाप्त होने पर बातचीत होगी और आज अपने दिनचर्या में योग व्यायाम को भी अपना सकते हैं, जिसके बाद आप स्वस्थ रहेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। आप अपने कुछ धन की समस्याओं को लेकर परेशान थे तो वो समस्या आज आपकी दूर हो सकती है। कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, या फिर कहीं आपका बाजार में फंसा हुआ धन या फिर किसी को उधार दिया हुआ धन, वो धन आपको इस समय मिलने की काफ़ी संभावनाएँ बन रही है। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। परोपकार के कार्यों में समय व्यतीत होगा। आप अपने भाईचारे को बढ़ावा देंगे और आपको इस काम में जो है मान सम्मान पूरा मिलेगा। लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़कर रहना होगा, तभी वह पूरे हो पाएंगे। आपके कुछ धन संबंधित मामले हैं, सारे परेशानी दूर होंगे। आपको आज साहस व पराक्रम में आगे बढ़ना होगा। किसी नए काम की शुरुआत आज आप माता पिता की आशीर्वाद लेकर करें, इससे कामों में सफलता आपको दुगनी मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लिए दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, समय बहुत अच्छा है। आपको आज कोई शारीरिक जो है समस्या दिक्कत हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। समय कुल मिलाकर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों जानकारियाँ अच्छी लगी हो, जानकारियों से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगल।